आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज 9th योगा डे के उपलक्ष में इंडियन नेवी की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया था, जहां पर उन्होंने INS राणा को नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम से पैरादीप जाते हुए दिखाया था। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लोग इसी वीडियो को प्ले कर रहे हैं। योग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और इसको आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे लोगों की परेशानी ये है कि हम लोग जो भी देखते हैं हमको केवल डिफेंस ही दिखाई देता है, और इस वीडियो के दौरान भी एग्जैक्टली यही हुआ है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर INS राणा के साथ में एक नई मिसाइल सिस्टम का कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का कॉम्प्लेक्स है। VLSR SAM बेसिकली एक सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको अस्त्रा मार्क 1 को मॉडिफाई करके बनाया गया है। इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग साल 2021 में शुरू हुई थी और अभी तक इसके 4 सक्सेसफुल टेस्ट हो चुके हैं। जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ था वो INS राणा से ही हुआ था, और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी टेस्ट की फोटोग्राफ देख रहे हैं। INS राणा एक राजपूत क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और बेसिकली इस क्लास में इंडियन नेवी ने 5 ऐसे शिप अपने बेड़े में शामिल किए थे। 5 में से 2 शिप ऑलरेडी रिटायर किए जा चुके हैं और आने वाले समय में बचे हुए 3 शिप्स भी रिटायर कर दिए जाएंगे, लेकिन इनके रिटायरमेंट से पहले इनको मॉडिफाई करके VLSR SAM की टेस्टिंग चल रही है, और VLSR SAM के कॉम्प्लेक्स में मिसाइल लॉन्चर के साथ साथ एक एक्स बैंड फायर कंट्रोल रडार भी होता है। बेसिकली ये मिसाइल सिस्टम आने वाले समय में बराक 1 शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करेगी, और इस मिसाइल के ऑपरेशनल हो जाने के बाद में इंडियन नेवी के शिप्स में 2 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा। मेजरली इस समय इंडियन नेवी के शिप्स में केवल 1 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बराक 8 आती है। यानी कि शॉर्टर रेंज पर भी अगर आपको टारगेट को एंगेज करना पड़ेगा तो आपको महंगी बराक 8 मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन अस्त्रा BVR के ऊपर बेस्ड ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कंपैरेटिवली सस्ती होगी और कम दूरी पर मार करने के लिए ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन होगी। नॉर्मली कहा जाता है कि इंडियन नेवी के शिप्स बहुत बड़े शिप्स जरूर हैं, लेकिन इनके ऊपर कम सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को माउंट किया जाता है। ये बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन इस समय इंडिया के कई मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट में हैं, और ये अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे तब जाकर इन मिसाइल सिस्टम को इन शिप्स के ऊपर माउंट किया जाएगा, और उसके लिए इन शिप्स को रिफिट में ले जाया जाएगा। INS राणा के रिफिट के केस में हम लोगों ने देखा है कि इस चेंज के लिए इन शिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और इनको काफी आसानी से इन मिसाइल सिस्टम से लैस किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर जो जरूरी माइलस्टोन है वो VLSR SAM का कंप्लीट डेवलपमेंट और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का पूरा डेवलपमेंट है। अभी के लिए जो इंटीग्रेशन किया गया है वो केवल एक टेस्ट सिस्टम है, और इसी वजह से आप यहाँ पर देखेंगे कि केवल 8 मिसाइल सिस्टम्स को यहाँ पर माउंट किया गया है, लेकिन जो एक्चुअल ऑपरेशनल सिस्टम होगा वहाँ पर और भी ज्यादा मिसाइल सिस्टम्स को माउंट किया जाएगा। मेरा पर्सनल मानना है कि ऑपरेशनल सिस्टम में लगभग 32 मिसाइल सिस्टम्स होने वाली हैं, लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन नेवी का कौन सा शिप इन मिसाइल सिस्टम्स को सबसे पहले इंडक्ट करता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कब इंडियन नेवी के ये शिप इस मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए रिफिट में ले जाए जाएंगे। वैसे इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से माना जा रहा था कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 40 किलोमीटर की होगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं कि इस मिसाइल सिस्टम को ऑलरेडी 50 किलोमीटर की रेंज पर टेस्ट किया जा चुका है। लेकिन मेरे हिसाब से इस चीज को लेकर पूरी क्लैरिटी तभी मिलेगी जब ये मिसाइल सिस्टम इंडियन नेवी के शिप्स के साथ में इंटीग्रेट कर दी जाएगी। एनीवेज, जो लोग आमतौर पर ये कहते हैं कि इंडियन नेवी के शिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा मिसाइल सिस्टम्स नहीं हैं या इंडियन नेवी के शिप्स अंडर आर्म्ड हैं, उनको एक मोमेंट के लिए पॉज कर ये सोचना चाहिए कि जब इंडियन नेवी के ये शिप्स पूरी तरीके से इन मिसाइल सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर लेंगे तो एक्चुअल पिक्चर किस तरीके की दिखेगी। 16 इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम, 16 यूनिट ब्रह्मोस ER, 32 बराकेट और 32 VLSR SAM, यानी कि भारतीय नौसेना का एक टिपिकल कोलकाता क्लास का डिस्ट्रॉयर लगभग 96 मिसाइल सिस्टम्स कैरी करेगा, और उसके बाद RBU 2000 और क्लोज इन वेपन सिस्टम्स होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।